आजकल का जो लिरिक्स है कुछ समझ में नहीं आता है, एक लाइन का बात क्या गा रहे हैं कोई नहीं जानता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द 70s, 80s, 90s। जो गाने में आया मैं डिस्को डांसर, यार बिना चैन कहाँ रे, रंबा हो, वर्डिंग समझ में आता है, अभी भी याद आ रहा है तेरा प्यार, गोलमाल 3 में यूज हुआ, सुपर हिट हुआ, वही गाना मैंने खुद गाया, आई एम ए डिस्को डांसर, जिंदगी मेरी, मेरा गाना। तो इसके गाने का अर्थ होता है, तो आजकल का अर्थ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये गाना हम गा के इतना हमको अच्छा लगा, ईशान में स्पेशली, दिस टीम टीम ये तारे डिस्को, जो बच्चे लोग को, देखिए बच्चे तो बच्चे ही है, उसको साथ अभी डिस्को में जो भी होता है वो अभी वो एज नहीं है उन लोग को, ये एज नहीं है जो डिस्को, डिस्को में हम लोग जाते रहते हैं, मैं तो खुद जाता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसा आज ऑन द डांस फ्लोर एक गाना निकला है जेनिफर लोपेस का, वो गाने में मैं आज नहीं 19 साल पहले मैं एक गाना जैसा डिस्को को मैंने लेके आया इंडस्ट्री में, सुरक्षा मौसम है गाने का, ऐसा ब्रेक डांस का भी मैं लेके आया था, आई एम ए स्ट्रीट डांसर विद गोविंदा इल्जाम, ऐसे ही मैंने सालसा डांस का फर्स्ट टाइम मैंने गाना बनाया था, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, इसे लंबाड़ा अभी देखो, आज 19 साल पहले मैं ये गाना, मैं 19 साल बैक घायल वाज सुपर हिट, उसमें मैंने ये लंबाड़ा यूज किया था और ये सालसा डांस का गाना यूज किया था, इसे नॉट किसी का गाना नहीं, इसे फोक लाइक जैसे ट्विस्ट, जैसे आर डी बर्मन लिया था ट्विस्ट करे, इट्स नॉट ए आर डी बर्मन ट्यून, बिकॉज इज अ ट्विस्ट, ट्विस्ट जब शुरू हुआ चाबी चेका का, तो ट्विस्ट का ये एक बीट था, द ब्रेक, वो ट्विस्ट का बाद हम देखिए 19 साल पहले जो बीट यूज किया वो आज नंबर 1 इन द वर्ल्ड, हर जगह से ईमेल आ रहा है, जी बापीदा मुबारक हो, आप 19 साल पहले जो सोचना क्या देखा होगा देखा जाएगा इंडिया में दिया था, वही गाना जेनिफर लोपेज ने नंबर 1 करके दिया, तो आप कुछ बोलेंगे नहीं, मैंने क्या बोलेंगे, आई हैव डन दैट सालसा म्यूजिक, सालसा म्यूजिक अभी किसी का भी हो सकता है, आज बापी लहरी किया, कल 20 साल बाद और कोई कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो एक्चुअली वो गाना इनफैक्ट भी रिंगटोन भी, मैं जब फोन बजता है तो वही ट्यून बजती है, दैट पार्ट ऑफ द सॉन्ग एवरीवेयर ऑफ द वर्ल्ड, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, every fans that's email me Bapida, what is going on, you are not saying anything, because kaliyo ka chaman apne shoot kiya tha jab addictive 2003 mein america mein number 1 tha, to aaj aapne kyun nahi bola, main bola dekho main kya bolu, ye this is the song of salsa, to yeah, it is my big credit, my achievement to what I have given 19 years after Jennifer Lopez has used on the floor, la 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 la, ऐसी है ईशान, ऐसी है जो ईशान में एक नया लगा, जो बच्चे लोग का डिस्को, जो बात मैं फिर से आ रहा हूँ, जो टिम टिम ये तारे डिस्को, मम्मी का प्यारा डिस्को, पापा का प्यारा डिस्को, डिस्को इसमें क्या एक अदाएं हैं, जो गाने में एक रस है, जो मैं इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, पप्पा को मैंने बोला देख एक्सपेरिमेंट नहीं करना, क्योंकि बच्चे लोग गा सके, तो बस आई थिंक ईशान विल लाइक बाय सॉन्ग्स लाइक बाय एवरीवन, बिकॉज ये गाना बहुत अच्छा है और सभी गाना अच्छा है, ईशान का ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड, आई एम श्योर सर आपने बनाए थे, हैज टू बी गुड, बट आपके गानों पर जब हम बपीदा के गाने सोचते हैं तब मिथुन दा ऐसे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, बपीदा की म्यूजिक मिथुन दा के पैर, उनके स्टेप्स और आपके गाने, तो अब छोटे छोटे बच्चे आर आल्सो गोइंग टू ग्रूव, तो आपको कैसे लग रही है फीलिंग कि नाउ अभी वो छोटे से शुरू हो रहा है, अभी देखिए ना जैसे मैंने ऑन द फ्लोर का बात किया, ऐसी है व्हाट वी हैव गिवन 22 इयर्स बैक, 22 ना और से भी ज्यादा 24 इयर्स बैक, डिस्को डांसर बापी मिथुन, वही गाना गोलमाल 3 लास्ट ईयर
again I have recorded the song. Mithun has danced so well and Golmaal 3 becomes super duper hit next to the Dabdabang. So, ये हम लोग को केमिस्ट्री बहुत चलता है मिथुन एंड पापी सर आपने ये एक्सेप्ट किया था एल्बम आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा दैट यू लाइक द स्क्रिप्ट एंड आपने सोचा दैट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड तो ऐसा क्या आपको भाग्या स्क्रिप्ट में है कि आपने बोला चलो नहीं ये स्क्रिप्ट इसलिए अच्छा लगा जो बिकॉज बच्चे लोग को लेके कुछ नहीं बनता है देखो मैं मेरा अभी एक पिक्चर आ रहा है थोड़े दिन बाद आपके पास सीडी भी आ जाएगा इसका नाम है It's rocking that the disco. That's your next movie. Movie film. तो उसमें मैं खुद काम किया as a disco king. Comedy types movie. हाँ comedy throughout comedy like हचर पच मैंने एकदम हचपच नहीं रहा कि disco king कैसे यो दो लेर का fan होता है मिथुन का fan है बापिता का fan है they are coming to disco fantastic it's a fantastic movie. तो वो है adult means that young generation but ईशान का सब्जेक्ट इसके लिए अच्छा लगा जब हमको दिया गया जो एक बापी लाइनी को पोर्ट्री कर रहे बच्चे लोग का साथ और समथिंग न्यू बिकॉज बापी दा इज लाइक यू नो कैसे गाइड कर रहे हैं आप लोग जब सीरियल देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा कैसा गाइड कर रहे हैं गाने में कैसे गाइड कर रहे हैं तो आपके लिए डिस्को किंग है राइट डिस्को किंग So I'm thinking. I mean, I'm a disco king. Everybody, of course you are. Everybody is telling disco king. Of course you are the disco king, one and only disco king. And I'm sure ki bachcho ko aap bahut bhaage honge. Matlab they must not ever even left you. No, beautiful. Bachche log itna sweet hai aur jin log pura jo cast hai itna acha tha aur itna acha dance kiya aur bahut kuch uspe aap jab dekhenge bahut maza aayega. Main sab kuch nahi bolna chahta. बिकॉज एक गाना है अउआ अउआ कोई यहाँ नच नच जो मेरा गाना था अउआ तो अउआ अउआ का ऊपर अउआ अउआ जानते हो ऑफ कोर्स यस नहीं बोलता नहीं बच्चे लोग बोलता यस ओके वी नो अउआ अउआ तो अउआ अउआ करो तो समथिंग डायलॉग आर वेरी फनी एंड वेरी गुड बच्चे लोग के लिए है टोटल सब्जेक्ट सीरियल किया है शूटिंग रेड चिलीज किया है प्रोडक्शन एंड डिज्नी चैनल फैंटास्टिक सर रंजन सिंह के बच्चों को आजकल मतलब एक चीज बताओ उनको आपके आगे चार चीजें पता है दे आर टू स्मार्ट वेदर डांसिंग वेदर सिंगिंग वेदर कुछ भी तो उनको ट्रेन करना भी जैसे आपने बहुत सारे शोज भी जज किए हैं एंड पीपल लुक अप टू यू तो आपको लग नहीं रहा कि यार अब तो मतलब बच्चे हमको डायरेक्ट करने लगेंगे हमको उनको डायरेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं लास्ट ईयर का एक लिटिल चैंप्स का बच्चा उसका एज होगा 8 इयर्स ही सैंग यार बिना चैन कहां रे मैं तो ऐसा हो गया 8 इयर्स का बच्चे और वो नंबर वन हुआ मैं गले से सोने का चैन खोल के दिया तो मैंने बोला वो गाना आया था 86 में आज कितना साल पहले का गाना है बट बच्चे लोग क्या डांस किया गाने में यार बिना चैन दिस इज यू नो दैट व्हाट वी हैव आई हैव गिवन व्हाट आरडी वर्मन हैज गिवन दैट इज लाइक ए हिस्ट्री आज देखिए दमर दम नाम लेके पिक्चर बन रहा है आज तो 50% पिक्चर में पुराना गाना है प्यार दो प्यार लो कल्याण जानन जी आई एम ए डिस्को डांसर बापी लहरी गोलमाल 3 याद आ रहा तेरा प्यार गोलमाल 3 प्लस हाउसफुल लावर इसका गाना तो आजकल तो प्रैक्टिकली 50% पिक्चर जो बन रहे हैं पुराने गाना लेके रीमिक्स करके बन रहे गाने भी मूवीज भी पार्ट टू पार्ट ही बन रहे और गाने भी वो डंडा 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 जो पीसता जैसे मेरा एक गाना है जिमी जिमी आजा आजा दिस सॉन्ग हॉलीवुड में मैं उल्टा ही बोल रहा हूँ हॉलीवुड में भी ऐसा हो रहा है हॉलीवुड में डोंट मेस विद द जोहान स्टार कास्ट एडम सैंडलर आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो देखिए लो वो पिक्चर में क्लाइमेक्स जिमी जिमी आजा आजा इंटेलिजेंट फुल फाइट सीक्वेंस इज देयर एंड And they have given my names or credit, Bapi Lahiri, original composer. तो आप देखिए आजकल world music का जो interlude music जो है इतना heat है आज दम्मड़ दम में डांडा 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 आ जाता मेरा जिमी जिमी आ जा जा तारा 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 वो piece आजकल Hollywood film में repeat कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं because the original and something pleasant of the years. अभी आज का गाने में मैं आपको बोल रहा हूँ इसके लिए तो इतना remix हो रहा है अभी म्यूजिक बाय सम एबीसीडी गाना है आई एम ए डिस्को डांसर तो किसका गाना है म्यूजिक बाय एबीसीडी गाना है आर डी बर्मन
तो आप लोग तो खुद इतना रेडियो सिटी का 91.1 एफएम मैं सुनते रहता हूँ, आप लोग तो सुबह शाम गाना बजाते हैं, लेकिन आजकल पूरा स्टाइल ही चेंज हो गया। हम तो 460 पिक्चर किया है। लास्ट गाना जो पिक किया था अक्षय कुमार का ऊपर, चांदनी चौक टू चाइना, छाती चोरी दिल गए बड़ा लोहे का है सीना, अब डर क्या गए जो तुम आए चांदनी चौक टू चाइना, इंडिया से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो दिन को आराम करो। कब का गाना? 76 का गाना, फिर से रिकॉर्ड किया था। तो आजकल वही मैं बोल रहा हूँ ना, हर फिल्म में एक बचना है हसीना बोलिए, कोई भी गाना बोलिए, पंचमदार मेरा और कल्याण जी आनंद जी बहुत सारा गाना रिमिक्स करे। आपके क्रू में जब आप शूट करे थे या जब आप उन बच्चों के साथ थे, व्हाट इज दैट, कोई कभी ऐसे किसी ने बच्चे ने को कुछ बोल दिया आपको जो आपको याद रहेगा या समथिंग हैपेंड? बच्चे लोग तो फर्स्ट टाइम तो बच्चे लोग आया और वो मेरा टोटल ब्लिंग ब्लिंग बापी लहरी एंड एवरीथिंग बापी लहरी, गोल्ड गोल्ड वॉच एंड गोल्ड ब्रेसलेट। तो किसी ने नकल उतारने की कोशिश नहीं की, नहीं वो तो बात ही नहीं कर सका पहले, खाली हमको देख रहे थे सब बच्चे, दे गॉट थिंक द बापी लहरी सिटिंग इतना नजदीक से। वाओ, तो मैंने आई एम श्योर बचपन जाके कुछ तो ट्राई किया। बहुत अच्छा, बहुत मजा आया ईशान में, बहुत अच्छा लगा। सर आपके कौन सी बचपन की यादें व्हिच यू रिमेंबर व्हिच इज स्टिल देयर? आई एम ए बोर्न चाइल्ड आर्टिस्ट, बिकॉज़ इफ यू गो टू माय वेबसाइट, आई एम प्लेइंग तबला फ्रॉम एज ऑफ 4 इयर्स एंड मास्टर बापी लाहिरी, माय फादर मदर बिग सिंगर from Bengal, Aparish Lahiri, Bansali Lahiri. So I have played tabla from my childhood. So from childhood se main famous hu Kolkata mein, Bappi Lahiri, Master Bappi Lahiri. Then I came to Mumbai, then aisa ho gaya. The rest is history. To aapki koi aisi aadat jo abhi badli nahi, maybe some kuch aise kuch khane ki aadat hai, kuch ekdam kuch bachpan type ki aadat, ziddi ya something that is still there? I am very homely person. Ghoomna bahut pasand hai family ka saath. ऑल ओवर द वर्ल्ड, कभी शो हुआ तो सब लोग चलो, बचपन से मामी डैडी ने आदत कर दिया तो चलो सब लोग सब मिल के जाएंगे, कोई अच्छा लगता है। So you love traveling still? Sure. क्या बात है। So what would you like to add, कोई ऐसी बात जो you know really people have to know and your fans about ईशान एल्बम जो आप कहना चाहते हैं? So ईशान एल्बम के लिए एक ही बात कहूँगा, जो आजकल जो बच्चे हैं डेफिनेटली ये बाय करें ये एल्बम, बिकॉज और सीरियल देखे, ईशान इज ए एल्बम टू डेज किड्स, मैं किड्स नहीं बोलूँगा, जो बच्चे बोलूँगा, दे आर नॉट एडल्ट, बट बहुत ही अच्छे तरह से एग्जीक्यूट किया है, और मैं जो एपिसोड में काम किया है इट्स अ फैंटास्टिक, और गाना हर गाना ही अच्छा है, तो बट जो मैंने खुद गाया वो गा के मेरा बहुत पसंद आया, क्यों टिम टिम ये तारे डिस्को, पप्पा का प्यारा डिस्को, मम्मी का दुलारा डिस्को डिस्को, इसमें क्या वेरी एक पेपी सॉन्ग्स है, तो आई थिंक पीपल विल लाइक एंड ईशान म्यूजिक विल बी सुपर हिट।